तो दोस्तों सबसे पहले आपको सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको इसको ओपन करना होगा। ये यहाँ पर नेक्स्ट जो होते हैं आपको दबा देना होगा। सबके सब परमिशन मांगेगा ये अलाउ, इन सबके सब परमिशन आपको अलाउ कर देना होगा। ये इसका कुछ कुछ इस प्रकार इसका इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। इस बार देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। आपको तीनों के तीन ऑप्शन में आपको परमिशन दे देनी होगी। परमिशन देने के बाद दोस्तों परमिशन देने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबके सब परमिशन दे देंगे आपको, जो भी परमिशन मांग रहा है। ठीक ये है ना दोस्तों, अगर जैसे कि अगर अपने फ़ोन में अगर लॉक लगाते होगे तो दोस्तों किसी ना किसी को पता चल ही जाता होगा कि ये बंद कि आपने फ़ोन में क्या लॉक लगाया है। वो बंदा आपका लॉक एक ना एक दिन तो जरूर देख ही लेगा दोस्तों। सपोज अगर आप अपने फ़ोन को दिन में 2-3 बार यूज़ करते हो और आप उसका पैटर्न 2-3 बार खोलते हो तो दोस्तों सारे बंदे को तो पता चल ही जाएगा कि आपके पास ये वाला पैटर्न आपने लगाया है। तो वो आपके फ़ोन को ओपन करके आपके सारी प्राइवेट चीज़ों को देख लेगा दोस्तों। दोस्तों इससे आपको बचने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं आज आपको एक कमाल के ऐसे एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे तो उस बंदे को पता नहीं चल पाएगा कि आपने कौन से एप्लीकेशन का यूज़ किया है, आपने कौन से एप्लीकेशन का यूज़ किया है। और आप उस पैटर्न को ऐसे करके सेट करना कि जिससे उस वाले बंदे आपको पैटर्न को खोल ही ना पाए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ये जो हमें एक नीचे कमेंट बॉक्स में खुफिया टिक करके लिख दीजिएगा दोस्तों, हैशटैग खुफिया टिक। इससे ये होगा कि दोस्तों और फिर हैशटैग खुफिया टिक करके लिख दीजिएगा। अगर अगर मैं आपको कोई रिप्लाई करूँ तो दोस्तों आप मुझे कुछ सजेशन दीजिएगा कि मैं आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो मैं उस टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर दोस्तों आपके सारे लॉक का इस वाले ऐप को आपको इंस्टॉल कर देना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसे खुलेगा, आपको नेक्स्ट में दबा देना होगा। सबके सब परमिशन को आपको अलाउ कर देना होगा। दे देखिए दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलेगा, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है दोस्तों इसका। फिर आपको सबसे ऊपर यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पर सबके सब आपको परमिशन पर क्लिक कर देना होगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे परमिशन पर आपको अलाउ कर देना होगा। आपको सारे एप्लीकेशन को ढूंढना होगा, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पर जैसे आप अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते होगे ऑप्शन अपने आप गायब हो जाएगा, ये टिक्का निशाना आएगा वहाँ पर। जैसे इस प्रकार यहाँ पर टिक्का और निशाना है। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सबके सब आपको अलाउ कर देनी होगी, एक्सेप्ट कर देनी होगी। सबके सब परमिशन आपको अलाउ कर देनी होगी दोस्तों। अगर आपके फ़ोन में अगर कुछ सिंपली दोस्तों प्रोसेस है तो आप कुछ उस प्रकार कीजिएगा। ये रेडमी के फ़ोन है दोस्तों, तो इसमें कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको यहाँ पर आपको राइट साइड को आप स्वाइप कर देना होगा, ये आएगा। इस साइड को यहाँ पर आपको कट कर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको सेट नाउ का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको सेट नाउ के ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। इसमें आपको बहुत सारे ये मिलेंगे। फिर आपको सेकंड वाले में दबा देंगे ना, सेकंड वाले ऑप्शन में। फिर आपको यहाँ पर कुछ भी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा। चूज योर निक नेम फर्स्ट किस कुछ ऐसे करके हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर चिल्ड्रंस निक नेम लिखते हैं मेरे, तो उसमें आप कुछ भी निक नेम लिख देता हूँ। अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये, फिर आपको कुछ भी आपको यहाँ पर पिन सेट करना है। जस्ट कि दोस्तों मैं यहाँ पर पिन सेट कर लेता हूँ 1 2 3 4, मोस्ट सिंपल पिन मैंने यहाँ पर रख दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टार्ट सेटिंग में कर देना होगा। अब जो हमारी पिन है ना दोस्तों, हम किस में दबाना हो, हमारे पासवर्ड है 1 2 3 4, ये हमने कर दिया है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर जीमेल आईडी अपनी डालनी पड़ेगी दोस्तों।
अगर दोस्तों हम अगर हमने अपने जीमेल आईडी नहीं डाली तो दोस्तों इससे ये होगा कि अगर हमारा फ़ोन अगर बंद हो जाता है, अगर हमें पासवर्ड अगर हम भूल जाते हैं तो आप अपनी जीमेल आईडी डाल के उसको फिर से वापस ला सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है। दोस्तों ये हो गया है, हम यहाँ पर लॉक स्क्रीन अंडे ऐप में दबाएंगे, यहाँ पर कुछ एग्री आग दिया होगा इसको यहाँ पर कट कीजिएगा। ये हमारा कुछ लग चुका है इस प्रकार। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पे होंगे हम अभी, फिर हमको कस्टमाइजेशन में जाना होगा, यहाँ पर वॉलपेपर दिखेंगे दोस्तों हमें। फिलहाल दोस्तों अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए कुछ हद के। और हमारा समय तो हम अपने थीम में भी जा सकते हैं, थीम से हमें कुछ ऐसे के मिलेंगे, इनमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लोकेशन का भी ऑप्शन दिया है, लोकल का, यहाँ पे थीम में यहाँ पर वॉलपेपर में कुछ दिखा नहीं रहा है, जैसे कि हमने वाला वॉलपेपर को सेट कर दिया है, सर लॉक में दबा देंगे। ये प्रोसेस हो रही है दोस्तों अभी। दोस्तों ये हो गया है, फेल टू लोड बता रहा है दोस्तों, अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है इसलिए हम अपने फ्लाइंग में डालते हैं अपने मोबाइल को दोस्तों, फिर से ट्राई करते हैं हम दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हो चुका है दोस्तों, इसके बाद देखिए आप। तो दोस्तों जैसे हमने अपने फ़ोन को लॉक किया, लॉक करके जैसे हम अपने फ़ोन को ऑन करते हैं दोस्तों, ऑन करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस प्रकार खुलेगा हमारा। हमें यहाँ से फिर हमें अपने लेफ्ट साइड को स्वाइप करना होगा, जैसे हमने स्वाइप किया जो हमारा पैटर्न आएगा हमें वो दबाना होगा, 1 2 3 4 हमने दबा दिया है दोस्तों। देखिए हमारे लॉक खुल चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों ये अपनी जगह भी चेंज करते रहता है, जैसे कि आपको पहले दिखेगा कि ये 1 यहाँ पर था, ये देखिए दोस्तों ये चेंज करते रहते हैं बाद में अपनी जगह, लेकिन पैटर्न आपका वही रहेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 देखिए दोस्तों ये खुल चुका है। इससे होगा ये कि दोस्तों इसका ये फ़ायदा होगा कि उस सारे बंदे को आपका आपका पैटर्न अच्छे से पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि यहाँ पे 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको ये नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें कौन सा बटन दबाया है दोस्तों, उसका ये पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा बटन दबाया है दोस्तों। अच्छा करता हूँ कि आपके वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।